जननायक जनता पार्टी को उस समय बड़ी सफलता मिली जब नुहू क्षेत्र के कदावर नेता व कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े पूर्व SDO तैयब हुसैन घासेड़िया ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ JJP ज्वाइन की। दिल्ली स्थित 18 जनपद के राष्ट्रीय कार्यालय में पूर्व सांसद दुष्यंत चौटाला और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में तैयब हुसैन व उसके साथियों ने जजपा में आस्था जताते हुए पार्टी का झंडा थामा। समाजसेवी और पूर्व अधिकारी होने के नाते तैयब हुसैन का मेवात क्षेत्र में खासा प्रभाव है। उन्होंने साल 2009 में नूह विधानसभा से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव भी लड़ा था। वहीं साल 2005 में तैयब हुसैन पब्लिक हेल्थ विभाग से SDO की नौकरी छोड़ सामाजिक गतिविधियों में निरंतर तत्पर रहे हैं और आज वे नूह की तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। नाम पर वोट दिया था लेकिन ये चुनाव दुष्यंत जैसे युवा जिन्होंने मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए एक नए आयाम स्थापित किए, लोगों को ये बताया कि मेंबर पार्लियामेंट की कितनी बड़ी हैसियत होती है। उन्होंने जो काम किए, जो लोगों को मान सम्मान दिया, जिस तरह की लोगों की सेवाएं की, उन्होंने पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों के खासतौर से युवाओं के दिलों को जीतने का काम किया है। ये चुनाव दुष्यंत के नाम पर चुनाव होगा। लोग इस बार चौधरी देवीलाल की चौथी पीढ़ी के वारिस चौधरी दुष्यंत चौटाला जी को अपना रहनुमा बनाएंगे, प्रदेश की बागडोर सौंपने का काम करेंगे। इस लिहाज से मेरा ये मानना है कि जो BJP 75+ का दावा करती है, इस बार शायद वो 20 से भी नीचे रहेगी और JJP पूरी सरकार स्पष्ट रूप से सरकार बनाने का काम करेगी, क्योंकि JJP का एक नारा है कि युवाओं को जो BJP सरकार उजाड़ने का काम कर रही है, किसानों को बर्बाद करने का काम कर रही है, गरीब और मजलूमों के इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रही है, सरेआम डकैती और बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, इस बार प्रदेश की जनता दुष्यंत जैसे नौजवान और स्वच्छ छवि के नेता को हरियाणा की बागडोर सौंपने का काम करेगी, क्योंकि उन लोगों में चौधरी देवीलाल का अक्स हरियाणा प्रदेश की जनता देखती है। तैयब साहब, जनता जनार्दन होती है, आपको यहाँ से नुमाइंदा चुन लिया गया, तो आपके क्या क्या उद्देश्य होंगे जनता के लिए? देखिए, ये तो आगे की बात है। मैं तो आज जब से मैंने अपना संघर्ष शुरू किया है, मेरे 2-3 ही मुद्दे हैं, क्षेत्र में रोजगार, क्षेत्र में जो इन लोगों ने आपसी भाईचारा हमारा ख़राब करने का काम किया, उसको भाईचारे को पाटने का काम किया जाएगा, और मेवात में बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं इनको दूर किया जाएगा, शिक्षा की तरफ और मेवात यूनिवर्सिटी की तरफ, मेवात में यूनिवर्सिटी खुलवाने के साथ साथ शिक्षा को बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, और हमारी जो 36 बिरादरी का प्यार है जो सदियों से चला आ रहा है, उस प्यार को और प्रगाढ़ किया जाएगा और मजबूत किया जाएगा, ताकि राजनीतिक रोटियां सेकने वाले लोगों को आगे के अपने उसमें सबक मिल सके। इस तरह का काम मेवात की राजनीति में किया जाएगा और मेवात की राजनीति में एक नए अध्याय के साथ राजनीति शुरू की जाएगी। साहब, काफ़ी दिन से आप जो है बिना किसी पार्टी के विधानसभा से मेहनत कर रहे थे, और इस तरह से हाल ही में चौधरी जाकिर हुसैन ने BJP का दामन थामा है, बड़े ही दिग्गज नेता माने जाते हैं, और आपने अभी जो है जजपा का दामन थामा है, क्या लगता है, क्या आप जो है चौधरी जाकिर हुसैन को टक्कर दे पाएंगे इस पार्टी? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो दिग्गज नहीं, वो दिग्गज हैं जो कभी डिगते रहते हैं, टिके नहीं। रही बात ये कि उन्होंने उनको आप चौधरी का लकब इस तरह इस्तेमाल करते हैं, मैं नहीं मानता कि उन्होंने चौधरी के लायक कभी कोई काम किया है सिवाय मेवात की जनता को उजाड़ने के, बर्बाद करने के। और जहाँ तक रही बात दूसरे उसकी, तो मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से लोगों का प्यार और सहयोग मुझे मिल रहा है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि इन दोनों को कहीं अपने इज्जत बचाने को भी लाले पड़ जाएंगे। और जनता, मेवात की जनता ये भली भांति जान चुकी है कि हमारी बदहाली के लिए जिम्मेवार अगर कोई है तो ये चौधरी जाकिर हुसैन, जिसको आप चौधरी कहते हैं, चौधरी आफताब अहमद, इन दोनों के कई कई पीढ़ियां राजनीति में रही, और ये दोनों ही मेवात के पिछड़ापन के लिए, मेवात की बदहाली के लिए जिम्मेवार हैं। मेवात की जनता इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी, और वो कहते हैं ना कि मछली अपने आप जाड़ में आकर के फंसगी, ये अब उस नाव में बैठे हैं जो जिस नाव का ना कभी कोई किरदार रहा। इन लोगों की राजनीति BJP की राजनीति जातिवाद की राजनीति रही, लोगों को लड़ाने बिड़ाने की राजनीति रही, जनता इस बात को भली भांति जानते हुए इस बार इनको सबक सिखाने का काम करेगी। तैयब साहब, विधानसभा में 10 की 10 सीटें इन्होंने लोकसभा में जीती हैं BJP ने, तो विधानसभा के बारे में क्या? देखिए, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जमीन आसमान का फर्क है। वो चुनाव चूँकि कांग्रेस नेतृत्वहीन हो चुकी थी, कांग्रेस की नीतियाँ और नीति कोई नहीं रही थी, कांग्रेस एक परिवारवाद में सिमट के रह गई थी, लोगों ने